ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस तीसरे सत्र में सच्चे दिल पर साहेब राजी। दो दिनों में हमने दिल और दिमाग के कुछ अंतर को समझने का प्रयास किया। आपने अभ्यास किया कैसा लगा आप सभी को जिसने अभ्यास किया? सभी दिल वाले बैठे हैं, अच्छा लगता है दिल की बातें करना, भगवान के दिल की बातें करना। गोपियां यही किया करती थी, गोपियों के पास दिमाग नहीं था, वो दिल की लेन देन करती थी। यज्ञ के आरंभ में भी दिल से ही संबंध जुड़े भगवान के साथ, हर अंत में भी दिल वालों की ही जीत होनी है। तो इसलिए दिलाराम बाप के दिल को और अपने दिल को भी समझने का प्रयास करना है। लव में लीन होना समझ गए, दिमाग स्विच ऑफ हो गया। बाबा बहुत याद आए, मेरे मीठे बाबा, बहुत अच्छा। इंसानों से दिल लगा के बहुत देखा है, अब भगवान से दिल लगाने की प्राप्तियां देखी जाए। आज भी मुरली में बाबा ने आशिक माशुक शब्द इस्तेमाल किया। बाबा की मुरलियों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हम वैसे ध्यान से ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि बाबा लैला मजनू वाले प्यार को ही सही मानता है। कि तुम्हारा प्यार आशिक माशूक की तरह होना चाहिए। बाबा ये कहता है कि जैसे आशिक माशूक एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए आंसू आ जाते थे, तो वो आंसू आ जाने चाहिए। लेकिन आंसू इतनी सहजता से नहीं आते हैं, आंसू लाने वाला प्यार बहुत गहरा है। इसमें बाबा ने कई मुरलियों में बताया है कि एक प्यार याद तीन तरह की बताई, एक याद
करते हैं। एक याद आती है और एक याद सताती है। तीन तरह की याद है। करते हैं माना जब मतलब पड़ता है तो हम बाबा को याद करते हैं। आती है मतलब संबंध बना है, नज़दीक का संबंध हो गया है तो बीच बीच में याद आती है। लेकिन सताती है मतलब डूब गए हैं, लवलीन हो गए हैं, उसके अलावा फिर कोई और नहीं है। जैसे हमें अपने नज़दीक रिश्तेदारों की याद आती है, बेटे की, पति की, नज़दीकी मित्रों की, इनकी याद आती है। जिनसे मतलब होता है उनको मतलब से याद किया जाता है। बिजनेस पार्टनर को किसी से आवश्यकता हो, दुकानदार या कोई और, जहाँ आवश्यकता होती है तो फिर उनकी याद आती है कि याद करते हैं। तो ये करने में, आने में, सताने में वास्तव में वही अंतर है। करना, आना, सताना, जो कल बताया आपको, दिल की ही बात है, दिल और दिमाग की। जितना दिल की गहराई में जाते जाएंगे उतना ही याद सताने लगेगी। तो इसके लिए बहुत आराम से बैठिए, दिल की बातें खड़े खड़े नहीं हो सकती, दौड़ते दौड़ते नहीं हो सकती, घोड़े पर बैठे हुए नहीं हो सकती। दिल की बातें होती हैं अकेले में बैठ के, एकांत में बैठ के, सब आवाज़ों से परे बैठ के। दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो दो दिल वाले भी बातें नहीं कर पाते हैं। बाबा के साथ भी हमें थोड़ा समय बिल्कुल पर्सनल निकालना चाहिए, बिल्कुल पर्सनल, जो मेरा और बाबा का है बस। उसमें फिर ना लौकिक बेटा, ना बेटी, ना पति, ना बिजनेस, ना पैसा, ना धंधा, ना दुनिया, फिर कोई नहीं। बस आ बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बस बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं। ऐसे प्यार में कहने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे प्यार में सुनने सुनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रेम की प्रकाष्ठा शब्दों से भी पार होती है। स्वार्थी होता है वो प्यार जब हम कोई मतलब लेकर जाते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, पूरा होने पर कुछ भोग लगाने की, शुक्रिया करने की का वायदा करते हैं। स्वार्थी होता है वो प्यार, वो व्यापार होता है। जिस प्यार में शिकायतें होती हैं, कभी दूसरों की शिकायतें, कभी अपनी शिकायतें, तो वो प्यार
वास्तव में दिमाग का होता है, दिल का नहीं होता है, क्योंकि दिमाग चक्कर खा रहा होता है। ये भी पता है कि हल तो बाबा ही करेगा, पर बाबा को समर्पण भी नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन प्यार क्या होता है? प्यार में कुछ कहने की जरूरत होती है क्या? क्या बाबा जानता नहीं मेरे मन की? भले वो सारा दिन मुझे रीड नहीं करता, पर वो थॉट रीडर नहीं है, पर प्यार को तो समझता है, वो प्यार का रिटर्न तो देता है। दिल का कचरा नहीं पड़ता वो, पर दिलाराम है, प्यार तो पड़ता है। क्या बाबा के कमरे में जाके तुम्हें कहानी सुनाने की जरूरत है? उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, अपने अंदर के तूफान को थाम के देखो। दिमाग की भागदौड़, दिल की हलचल, थाम के आंखों में आंखें डाल के देखो। जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, क्या वो तुम्हारे सुनाने से पहले उसको समझ नहीं लेता? क्या संकल्पों से भी पहले जो भावना है, क्या भगवान संकल्पों से पहले ही भावना को नहीं पकड़ लेता? और अगर तुम शांत हो जाओगे तो वो तुम्हारे दिल का सारा जो डाटा है, जो भी दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं या प्यार है, वो सारा का सारा ऐसे खींच लेता है वो, बिना कुछ कहे। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है भगवान। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। दिल की दिल से बात होती ही तब है जब
जब दिमाग शांत हो जाता है। जब तक तुम्हारा दिमाग चलेगा, जब तक तुम शिकायतें, समस्याएं, मुसीबतें, इच्छाएं, डिमांड्स सबकी गठरी उठा के उसके सामने बैठोगे, तुम उसके प्यार को महसूस नहीं कर पाओगे। प्यार इनसे दूर होता है, बहुत दूर होता है। उसमें यकीन किया जाता है कि वो मुझे समझता है, उसे सुनाने की जरूरत नहीं। सुनाने वाली स्टेज बहुत छोटी होती है, वो भी बताई जाती है कि ऐसा करो ऐसा करो, पर वो सुप्रीम स्टेज नहीं होती, वो बहुत छोटी स्टेज होती है। अभ्यास होता है वो। प्यार एक अभ्यास नहीं है। मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, ये एक अभ्यास है। माँ कभी अपने बेटे को या अपने पति को या कोई बेटा अपने माँ को ऐसे नहीं याद करता कि मैं फलाने की संतान हूँ। ये अभ्यास करके याद नहीं करते हम लौकिक संबंधों में। भले शुरुआत में ये विधि बताई जाती है, गलत नहीं है ये विधि, ये संबंध शुरुआत करने की विधि है ये, परंतु प्यार जब हो जाता है तो उसके बाद फिर ये विधि काम नहीं करती। फिर एहसास होना चाहिए, फिर दिलों की दिलों से बात होनी चाहिए, दिल टू दिल एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, दिल वाले की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए। जिस भाव से वो कहता है उसी भाव से पकड़ना चाहिए उसको। अगर दिमाग का मिक्सचर दिल के अंदर है तो नहीं आती पकड़ में बात। बाबा की वाणी सुनते हैं, देखते हैं आप उसे कितना पकड़ पाते हैं। बात नहीं, एक तो चाहिए।
बाबा के
प्रेम की आवाज को समझना क्या कहना चाह रहा है उसको कैच करना आना चाहिए आपको। कितना सहज रूप से, कितना प्यार से बाबा सुना रहा है, लेकिन उसके पीछे संदेश कुछ और दे रहा है। वो संदेश हमको समझने कि बाबा क्या कहना चाहता है, हमारे दिल में क्यों नहीं बैठता बाबा। समझ में आई बात कि बाबा हमारे दिल में बैठना चाहता है और उसने हमें अपने दिल में बिठा लिया है, परंतु बाबा ने कहा कि क्या तुम्हें साकार में कोई साथी चाहिए। देखिए कितने प्यार से वो समझा रहा है कि बाबा भी कहता है कि एक तो चाहिए। वास्तव में कहने का मतलब है क्योंकि हमारी ये फितरत है। अब इसका भाव आपको हम बताते हैं। हमारी ये फितरत है कि एक दो को साथी जरूर बनाते हैं। समझिए थोड़ा, जब भी आपके जीवन में कोई बात होती है, जैसे ही वो बात आपके अंदर तूफान मचाती है, हलचल आती है, तो जो आपके सबसे नज़दीक होता है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, बेटा है, मित्र है, उसके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन बाबा का कहने का भाव क्या है कि एक साथी तो चाहिए साकार में, क्योंकि बाबा के कमरे में बैठ करके भी, यानी बाबा के सामने बैठ करके भी जिनका दिल हल्का नहीं होता। तो बाबा ने युक्ति से समझाया, कहने का भाव वही है कि बाबा ही साथी है। एक बार हमें एक अनुभव हुआ कि कोई बात हो गई लाइफ में, तो मन थोड़ा सा विचलित हुआ, संकल्प चल रहे थे, तो मेरे साथ जो भाई है पाठ बजाता है, मैंने उसके साथ बात की थोड़ी सी, भले ही अपनी तरफ से मैं शुभ भावना से बात कर रहा था, और उसके बाद मैं बाबा के कमरे में गया, बाबा की नज़रों में नज़रें मिलाई और बाबा से रूह रिहान करने लगा, वो बात बाबा को सौंपने लगा। तो अचानक मुझे बाबा की तरफ से एक रिएक्शन मिला कि बच्चे, प्यार का रिएक्शन, जैसे अभी कह रहा था एक तो चाहिए, यानी हमारी कमजोरी को बता रहा है कि एक तो चाहिए। तो वैसा ही मेरे को रिएक्शन मिला कि बच्चे अब किस लिए आए हैं। तो मेरे को बात समझ में आई कि मैं कहता तो हूं कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, समस्या का समाधान शिव बाबा से लेना है, लेकिन जब बात हुई, जब मन में हलचल हुई,
तो मेरी नज़र पहले उस साथी की तरफ गई, साकार में उस भाई की तरफ। पहले मैंने उसके साथ शेयर की वो बात, और फिर मैं बाबा के कमरे में आया। तो बाबा ने पूछा, अब किस लिए आया है? फिर चिंतन चला कि मेरा विश्वास तो उस भाई पर था, पहला विश्वास, फर्स्ट फेथ उस भाई पर गया कि इससे शेयर कर लूं, बाबा की मदद नहीं मिलेगी। मैंने सॉरी बोला बाबा को, और वो बात आगे से प्रतिज्ञा की कि जीवन में हर बात आप ही से है बस। और धीरे धीरे फिर वो अवस्था हो गई कि अब मेरी कोई बात है ही नहीं, जब मैं तेरी हो गई तो फिर मेरी बात कैसे रह गई? आपका शरीर में दिक्कत है, जब तक मेरा शरीर बोलोगे तो दिक्कत भी ज़्यादा महसूस होगी। आप शरीर को भी समर्पित कर दो, देखिए क्या फर्क मिलता है, बाबा क्या कमाल करता है, बहुत मदद मिलेगी बाबा की। संबंधों को मेरा कहते हो, मेरे इसको ठीक कर दो, मेरे इसको ठीक कर दो, जब मैं बाबा की हो गई तो फिर संबंध किसके हो गए? वो संबंध भी समर्पित कर दो। जब ऐसे समर्पित होके बाबा के सामने बैठते हैं, फिर बाबा शब्द काम करता है। मन में कोई किचड़ा नहीं होना चाहिए, अंदर तक का विश्वास बाबा में बिठाना है। चलिए अभी 2-3 मिनट, क्योंकि ये कोई अभ्यास नहीं है, प्यार एक एहसास है, एहसास है, ये फील किया जाता है। अब अभ्यास से ऊपर उठना है आपको, उसको एहसास को फील करना है, चैतन्य फील करना है बाबा को, हर घड़ी मेरे साथ है, कंबाइंड रूप है, तब हम कह सकते हैं मेरे तो श्री बाबा दूसरो न कोई। बाबा कितना प्यार मुझे करता है और मुझे कितना करना चाहिए। 2-3 मिनट लैला मजनू बनकर, साजन सजनी बनकर उसके सामने बैठो। जिन्हें साजन सजनी का संबंध नहीं, रास आता है या मन मानता नहीं, तो आप पुत्र बनिए, संतान बनिए, कुछ भी बनिए, पर उस संबंध में वफादारी लाइए। पिता समझ रहे हैं तो पुत्र को कितना वफादार होना चाहिए, पत्नी यानी सजनी समझ रहे हैं तो फिर सजनी को साजन के प्रति कितना वफादार रहना चाहिए। फिर अपने मेरेपन को चेक करना कि मेरा क्या है। जब मैंने कह दिया तन मन धन सब तेरा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, अगर दिमाग में हलचल है तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जब तेरा कह दिया, तन मन धन तेरा, तो फिर इनकी समस्याएं जो हैं वो किसकी हो गई? क्या जवाब दे रहा दिल, वो समस्या किसकी हो गई? जब समस्या उसकी हो गई, टेंशन तेरी कैसे हो गई? जब संतान, जब संबंध उसके हो गए, समर्पित कर दिया, पूरा परिवार, लौकिक जिम्मेवारियां सब तेरी हैं, जब मैंने सब दे दिया तो उनकी टेंशन किसकी हुई? उसकी टेंशन मुझे होना, मेरा दिमाग चलना, ये बताता है कि मैंने दी नहीं है। अभी सभी भाई बहन ध्यान से सुन लीजिए, मेजॉरिटी की
समस्याएं इसी से जुड़ी हैं, क्योंकि मेरा समझ रहे हो। धीरे धीरे समझो भले इन बातों को, करेंगे कुछ दिन प्यार की बातें और करेंगे, जब तक आप समझ में ना आ जाए आपके। लेकिन अंदर से उसकी कर दो, जो भी किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी के, जब तक जिम्मेवारी खुद के सिर पे उठा के चलोगे तब तक बाबा साक्षी रहेगा। आप उसके प्यार को महसूस करो। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। राजा राजस्थान के राजा थे, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान। उनको संयोगिता ने चिट्ठी लिख दी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें अपना वर मान लिया है, अब अगर तुम मुझे नहीं लेने आए, वो मुसलमान मेरे ऊपर नज़र रखता है, तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगी। वन साइडेड लव था। लेकिन वो राजपूत राजा ने उसको, उसके पत्र को पढ़ करके इसे अपना धर्म समझा कि उसने अगर दिल से मुझे अपना समझ लिया है तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। और वो सेना लेकर के गया और वहां से उसको छुड़ा के लाया, भगा के लाया। एक कलयुग का राजा जब वन साइडेड लव को भी इतनी कदर देता है, धर्म समझता है अपना, तो यहां जो हमारे साथ है बाबा, उसका तो वन साइडेड लव भी नहीं, उसका तो दोनों साइड से, उसका लव ज्यादा है बल्कि हमारे से, तो वो क्यों हमारे संकल्प की रक्षा नहीं करेगा। बस ये एक्सपेरिमेंट्स आपको जीवन में करने हैं। चलो 2-3 मिनट पूरा समर्पण करूंगा बाबा। बस बाबा शब्द के अंदर मिठास घोलते जाओ, मीठे बाबा, बैठ जाइए चलिए, प्यारे बाबा। जितना दिल की गहराई में खोदोगे, आज धरती पे पानी गहरा हो गया है, 1000-1000 फुट पे चला गया है पानी, पहले 50 फुट पे 100 फुट पे मिल जाया करता था। दिलों में प्यार भी गहरा चला गया है, बहुत खोदना पड़ता है, बहुत ड्रिल करनी पड़ती है बाबा, 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 बाबा। दिल से बाबा, दिल की गहराई से बाबा, फिर जुबान से पार चले जाना, केवल दिल से बोलना, मेरे दिल से निकला तीर बाबा के दिल में जाके लगे, दिल की आवाज सुनने के लिए कोई म्यूजिक नहीं चाहिए। ये म्यूजिक भी डिस्टरबेंस है, जब दिल की दिल से आवाज पकड़नी होती है। बस मेरा दिल कहे बाबा का पकड़े, और बाबा का दिल कहे और मेरा पकड़े।
मेरे और बाबा के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ये उसके प्यार का इजहार है, ये भगवान बोल रहा है। वो दिल से बोल रहा है, क्या तुम्हारा दिल पकड़ रहा उसकी आवाज, उसके प्यार को पकड़ रहा, या इसे भी दिमाग से सुन रहे हो? जिनके दिलों ने नहीं पकड़ा उन्होंने तालियां बजा दी। तुम्हारे सामने आके भगवान कहे तुम मेरे दिल में हो, क्या मतलब है इसका? पूरे संसार की हर आत्मा को, हर बच्चे को देख रहा हो, तुम कहीं भी होंगे, किसी भी कोने में उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है। लेकिन दिलाराम के दिल में समाया केवल इस एक महावाक्य के ऊपर जिंदगी बिताई जा सकती है, सब कुछ लुटाया जा सकता है इस एक महावाक्य पर, अगर दिल पकड़ ले तो। लेकिन समझो, बाबा की मदद क्यों नहीं मिलती है उसे भी समझो। ध्यान से सुनो हे आत्माएं, दिल से ऑर्डर करो। देखा आपने, मेरा बाबा ऑर्डर कर सकते हो भगवान, अवश्य गारंटी करता है, गारंटी कर रहा है। लेकिन ये कोई इंसान नहीं जो अपने वायदों से मुकर जाता है, ये तुम मुकरते हो, हम मुकरते हैं,
संसार मुकरता है, भगवान अपने बोले हुए शब्दों से मुकरता नहीं। बस एक ही बात कहता है, मुझे दिल से बुलाना, दिमाग में नहीं आता हूँ मैं, दिल में आता हूँ। ये भी सुन लो, अगर निश्चय से नहीं दोगे उसे, फिर वर्षों बोलते रहो बाबा बाबा। बैठ जाइए और 2 मिनट खो जाइए उसके प्यार में। बस मैं तेरी हो गई, मेरा सब कुछ तेरा हो गया। अभ्यास करो, अभ्यास करो। इसी जीवन में कितनों के हुए हो, कितनों के हुए इस जीवन में, कितनों के दोस्त, कितनों के संबंधी, कितनों की माँ, कितनों के बाप, कितनों के। अब एक के बन के देखो, हे दिल वालों, कुछ समझ में आ रहा क्या? क्या और सुनना चाहते हो प्यार के बारे में? क्या कहते हैं? हे दिल वालों, कुछ समझ में आ रहा क्या? क्या और गहराई में जाना है? पर बड़े धैर्य से बैठना होगा, बहुत धैर्य चाहिए। कमाल के रिजल्ट मिलेंगे तुमको, कमाल के, जो दिमाग वालों को कभी ना मिले हैं, ना मिल सकते हैं। क्या कहते हैं? और आगे चलाएं? कल भी कुछ और सुनाए इस पर? आप बताओ। कहते हैं एक बार और सुना दो बाबा की आवाज। महेंद्र भाई, तुमको कोई एक बार गाली दे दे, तुम पूरी जिंदगी भूलते नहीं उसको, ऐसी सुंदर रिकॉर्डिंग कर लेते हो। भगवान की तो बातें रोज कितनी सुनते हो, क्यों तुम्हें बार बार सुनने की जरूरत पड़ रही? भले सुनना, पर इस बात को भी सोचना जो हमने कहा। भेज देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ग्रुप में भेजेंगे, और भेजा है कई बार, पर जो दिल वाले होते हैं उनको एक बार कहा, एक बार कहा छप जानी चाहिए। याद करो किसी की गालियां कैसे छपी थी, गालियां छप गई थी। ठीक है, कल भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा, अभी अगला क्लास है हमारा। बहुत अच्छा, अपने अनुभव लिखो, क्या लगा आज, कुछ महसूस हुआ? ओम शांति।